हेलो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों का एक बहुत बड़ा डाउट रहता है और ये बहुत सारे लोग पूछा भी करते हैं और मेरे टाइम पर भी ये डाउट था और फिर मैंने ये डिसाइड भी किया था कि कौन सी पोस्ट सही रहेगी। एक्चुअली आज हम बात करने वाले हैं कि क्या आपके लिए बेहतर पोस्ट रहेगी। अगर आपके पास दो ऑप्शन हैं 4600 ग्रेड पे के, पहला ऑप्शन है कि आपको ASO या CSS मिल सकता है, मतलब सारी ASO की जॉब जो दिल्ली बेस्ड मिनिस्टेरियल पोस्ट रहती हैं वो मिल सकती हैं, और दूसरी है इंस्पेक्टर पोस्ट मिल सकती है। देखिए, अभी तक क्या था कि मिनिस्टेरियल पोस्ट के बारे में जनरली ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है कि SSC CGL में ऐसी भी कोई पोस्ट है। उसका रीज़न यह है कि SSC मतलब इंस्पेक्टर, यही मानते थे। और अभी तो चलो ठीक है, GST का, एग्जामिनर का, प्रिवेंटिव ऑफिसर का भी थोड़ा क्रेज़ है, वरना 10-5 साल पहले तो ऐसा था कि SSC मतलब या तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या तो फिर कस्टम्स में एग्जामिनर। लेकिन धीरे धीरे बदलता गया, GST भी आ गई, उसके बाद में बहुत सारा और परिवर्तन हो गया, तो वो सारी बातें अलग हैं। तो अगर हम आपको इसके बारे में, देखो हम डिफरेंस नहीं बताएंगे कि ये सही है वो सही है, या हम आपको सजेस्ट नहीं करते हैं, बस हम एक बार आपको गो थ्रू करवाएंगे चीज़ों से, आप तब समझ पाएंगे कि कौन सी चीज़ सही है आपके लिए। सही है गलत है वो तो अलग बात है, आपके लिए क्या सही है। देखिए, सबसे पहली बात कि ASO की सारी पोस्ट दिल्ली बेस्ड रहती हैं, तो आपको दिल्ली में परमानेंट पोस्टिंग मिल जाएगी, जबकि मिनिस्ट्री में वो जबकि इंस्पेक्टर में आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर जगह पर परमानेंट रहे, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसफ़र होता रहता है, एक बात। दूसरी बात, इंस्पेक्टर में ये भी है कि आपको जोन एलोकेशन के लिए अच्छी रैंक लाना पड़ेगा। अगर आप नॉर्थ के हैं तो खास तौर पर अच्छी, सबसे अच्छी रैंक लानी पड़ेगी, दिल्ली यूपी पाने के लिए सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है। तो ये एक है मामला, इसका एक बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि प्रमोशन वाइज अगर देखोगे तो GST इंस्पेक्टर में प्रमोशन एक ही दो हो पाते हैं, कभी कभी तीन बस, क्योंकि तो इसमें क्या है कि बहुत सारा ज़्यादा रिक्रूटमेंट होता है। तो जैसे मान लीजिए 20,000 इंस्पेक्टर हैं और प्रमोशन होना है 1,000 सुपरिटेंडेंट के लिए, तो फिर 1/20 हो जाएगा ना, तो टाइम ज़्यादा लगता है और कभी कभी नहीं भी हो पाता है प्रमोशन ज़्यादा, या एक हो गया या फिर किसी का दो हो गया इससे ऊपर, या तीन हो गया, तीन तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, दो जनरली हो ही जाते हैं, लेकिन कभी कभी एक होता है, क्योंकि मान लीजिए किसी ने लेट ज्वाइन किया तो उसके साथ ऐसा होता है कि उसका प्रमोशन फिर नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं वर्क कल्चर की। देखिए, वर्क में क्या है कि ASO आपको जनरली क्लरिकल वर्क, जो ऑफिशियल वर्क रहता है, जैसे पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस बनाना या फिर जो भी मिनिस्ट्री की पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करवाना, या मतलब सारा वो काम जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर देश को बड़े लेवल पर इफेक्ट करता है वो। और GST में क्या है कि आपको पैसे का इंतजाम करना है, आपको रेवेन्यू कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना है, फिर गवर्नमेंट कहाँ पर एक्सपेंडिचर करती है, कैसे करती है, आपसे मतलब नहीं है। लेकिन कुछ मिनिस्ट्री ऐसी हैं जैसे ASO में, जैसे तो उनमें क्या है कि समाज कल्याण विभाग है, तो उसमें बहुत सारे NGO को पैसा गवर्नमेंट देती है, सब्सिडी टाइप के देती है, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसमें देती है पैसा, या फिर आपके ही पैसे से, मतलब जो GST इंस्पेक्टर्स लोग कलेक्ट करते हैं उसी के पैसे से DRDO ISRO को पैसा जाता है, और ज़्यादातर सारी पॉलिसीज़ या फिर सारे मिनिस्ट्री का जो भी खर्चा है वो सब इसी से आता है जो हम लोग कलेक्ट करते हैं। मगर ASO वाले में यही है कि बहुत सारा पॉलिसी मेकिंग, एजुकेशन पॉलिसी बन रही है, या फिर कोई नया वो आने वाला है, एक्ट पास होने वाला है, अब उसमें भी कई सारी मिनिस्ट्री हैं, जिस मिनिस्ट्री में रहोगे उस मिनिस्ट्री का काम रहेगा, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो तो एजुकेशन पॉलिसी, होम मिनिस्ट्री में हो तो फिर तुम उस लेवल का काम करोगे, या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री में हो तो अलग अलग टाइप का रहता है। डिफेंस मिनिस्ट्री के बारे में अगर बात करें ASO FHQ, तो उसमें भी कुछ लोग जाते हैं, लेकिन उसमें मोबाइल अलाउ नहीं है, थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है, तो फिर वो एक इशू रहता है। तो ये दो बातें हो गई। तीसरी बात ट्रेनिंग की करते हैं। देखिए, ISTM करके एक होता है, तो मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो है अपना, तो उसका ही
ये होता है एक पार्ट जहाँ पर ट्रेनिंग होती है एसओ की, और इसमें भारत दर्शन करके एक होता है जहाँ पर इंडिया लेवल पर छोटे छोटे यूनिट्स को दिखाते हैं, गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है, बहुत सारी चीज़ें ये सब दिखाते हैं। मगर जीएसटी इंस्पेक्टर में क्या है, उसमें जीएसटी का एक्ट मेनली पढ़ाया जाता है, उसके अलावा और कोई चीज़ें नहीं होती हैं। कस्टम्स का एक्ट होता है, जीएसटी का एक्ट होता है, और जीएसटी के जो विभिन्न पार्ट हैं जैसे ऑडिट है तो ऑडिट का पढ़ाया जाएगा, आईसीडी में क्या होता है वो पढ़ाया जाएगा, कस्टम्स में क्या होता है, एग्जामिनर का क्या काम है, प्रिवेंटिव ऑफिसर का क्या काम है, या फिर नारकोटिक्स का भी थोड़ा पार्ट बताया जाता है कि कैसे स्मगलिंग को रोकना है, ये सारी चीज़ें जीएसटी एक्ट में पढ़ाई जाती हैं। थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं, और ट्रेनिंग मुझे लगता है कि इसमें एएसओ में उतना ज़्यादा दिन की नहीं होती है, लेकिन जीएसटी इंस्पेक्टर में 100 दिन की ट्रेनिंग होती है, और थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी भी कराते हैं क्योंकि यूनिफॉर्म जॉब है तो। और इसके साथ साथ ट्रेनिंग में गन प्रैक्टिस भी होती है, आपको बंदूक चलाना, गोली चलाना, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं, और पुलिस ट्रेनिंग भी 15 दिन की शामिल है, बट एएसओ में ऐसा कुछ नहीं है, यूनिफॉर्म जॉब है एक तो जीएसटी इंस्पेक्टर, तो इस वजह से ये सब करवाना पड़ता है। चौथी बात कि ग्रेड पे दोनों का सेम है, एक बात वेरी करती है क्योंकि जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्टिंग हो सकता है वाई या फिर जेड सिटी में हो जाए, इस वजह से ऐसा रहता है कि कभी कभी सैलरी कम रहती है, लेकिन जो एएसओ एंड सीएसएस है उनकी दिल्ली में ही पोस्टिंग रहती है तो उनकी एक सिटी के हिसाब से सैलरी रहती है, तो सैलरी का थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाता है। लेकिन आपको अगर चाहिए एक सिटी की सैलरी जीएसटी इंस्पेक्टर में भी, तो आप दिल्ली एक्साइज या फिर मुंबई में पोस्टिंग ले लीजिए, चेन्नई में, बेंगलोर में, जो एक्स सिटीज़ हैं वहाँ पर आप ले लीजिए, तो आपका एक सिटी वाली सैलरी आएगी। कुछ लोग इसको भी एक डिफरेंस मानते हैं कि इसमें वो है यूनिफॉर्म है जीएसटी इंस्पेक्टर में, उसमें यूनिफॉर्म नहीं है, बट ये कोई ऐसा खास रूल नहीं हुआ। और मानने को तो ये भी मान सकते हैं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ये इंस्पेक्टर जॉब है और वो एक नॉर्मल जॉब है, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता है। और सबका अपना अपना सिग्निफिकेंस होता है, आप एक मिनिस्ट्री में रहोगे, एक बहुत बड़े देश की पॉलिसी मेकिंग में आपका योगदान रहेगा, आप सारा ग्राउंड वर्क करोगे, सारी ड्राफ्टिंग नोटिंग करोगे, तो ये भी एक प्राउड का विषय रहता है। बट ऐसा है कि जीएसटी इंस्पेक्टर में क्या है, कभी कभी फील्ड भी जॉब रहती है, लेकिन एएसओ में हमेशा के लिए आप क्लरिकल रहोगे, सुबह 9 साढ़े 9 बजे गए, 6 बजे तक आ गए, और लेकिन जीएसटी इंस्पेक्टर में क्या है कि जैसे ऑडिट की क्लास मतलब ऑडिट सेक्शन में आपकी पोस्टिंग हो गई तो आपकी ऑडिट करने जाना है, तो सैटरडे संडे पता भी नहीं चलता है कभी कभी, और या फिर कभी कभी और टाइम में भी जाते हैं, कभी कभी मतलब जब ऑफिस टाइम में जाते हैं ऑडिट करने तो आपको ऑफिस नहीं जाना है, तो ये हो जाता है। आपको इसमें एक और डिफरेंस हम बताना चाहेंगे कि एएसओ में वैरायटी जो है उसमें भी अच्छी खासी है, उसमें आपको मिनिस्ट्री चूज़ करने का मौका मिलेगा, लेकिन आप जिस भी मिनिस्ट्री में जाओगे लगभग लगभग काम उसी टाइप का रहेगा, भले ही उसमें काम दूसरा रहेगा, जैसे उसमें किसी और चीज़ पे पॉलिसी बन रही है, दूसरी मिनिस्ट्री में जाओगे उसमें दूसरी चीज़ पे बन रही है, लेकिन जीएसटी इंस्पेक्टर में आपको क्या है कि अगर आपकी पोस्टिंग मान लीजिए कस्टम्स में हो जाती है तो आप कस्टम्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखोगे, उसके साथ साथ आप मतलब वो भी देख सकते हो, आपको एयरपोर्ट पर भी पोस्टिंग दे सकते हैं, या फिर कंटेनर डिपोर्ट में भी दे सकते हैं, आईसीडी में दे सकते हैं, ऑडिट में दे सकते हैं, तो आप ऑडिट करने जाओगे जो फैक्ट्रीज रह कंपनी रहती हैं, तो काफ़ी बड़ी कंपनी रहती हैं तो ऑडिट करने का भी एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपको रहता है। रेंज में पोस्टिंग दे देते हैं तो आप छोटे टैक्स पेयर या फिर छोटे लेवल पर टैक्स पेयर को स्क्रूटनी असेसमेंट ये सब कर सकते हो, डिवीज़न में है या फिर हेडक्वार्टर है, चीफ कमिश्नर ऑफिस में भी पोस्टिंग कुछ लोगों को मिलती है, या फिर अपील्स भी इसमें रहती है। अपील्स में क्या है कि आपको जो भी मतलब जस्टिस से रिलेटेड मामले हैं, रेवेन्यू के जस्टिस से रिलेटेड मामले हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे, तो वैरायटी अगर देखोगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा रहेगी जीएसटी इंस्पेक्टर में। और अगर बात करें कि मतलब कौन सी 4600 ग्रेड पी की एसी दोनों पोस्ट में से इजीली पाना है, आसान है, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है। 2018 में बहुत ज़्यादा सीएसएस की वैकेंसी आ गई थी, जिस वजह से एएसओ एंड सीएसएस की बहुत ज़्यादा लोगों को पोस्ट मिल गई थी, जबकि जो लोग इंस्पेक्टर लेना चाहते थे उनको नहीं मिल पाई थी इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर जल्दी ही ख़त्म हो गई थी और एएसओ एंड सीएसएस बाद तक भरी थी, जबकि 19 वाले में ऐसा नहीं हुआ, एएसओ सीएसएस में कम वैकेंसी थी तो वो जल्दी ख़त्म हो गई, ये वाली बात तक ख़त्म हुई, तो ये सारी चीज़ें वैरी करती रहती हैं, इस पर तो कुछ खास कहा नहीं जा सकता है।
2016 17 तक मुझे याद है कि एसओ इन सीएसएस में वैकेंसी काफ़ी कम रहती थी और इसकी कट ऑफ जनरली एक्साइज इंस्पेक्टर की मिनिमम कट ऑफ से ज़्यादा जाती थी। और एक और बात भी है, मिनिमम कट ऑफ से आप ज़्यादा देख रहे हो, लेकिन आप ये देखो कि आप मिनिमम कट ऑफ पाने वाला एक्साइज इंस्पेक्टर में वो ऐसा जोन पाता है जो वो पसंद नहीं करता है, फिर से वो चेंज करता है। मान लो नॉर्थ ईस्ट पाया है, चेन्नई पाया, लेकिन एएसओ इन सीएसएस में उसकी पोस्टिंग दिल्ली में हो जाती है। तो अगर ये देखोगे कि दिल्ली में एक्साइज पाना और दिल्ली में एएसओ पाना, तब आप पाओगे हो कि दिल्ली में एक्साइज पाना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है कंपेयर टू जीएसटी, वो कंपेयर टू एएसओ दिल्ली में। एक और बात ये है कि एएसओ एमईए जो है वो सबसे ज़्यादा डिमांड की जाने वाली पोस्ट है, तो ये कह सकते हो कि एएसओ एमईए अगर आपको मिलना है तो एक्साइज से काफ़ी सही है। और कुछ लोग लेकिन अभी भी दिल्ली एक्साइज ले लेते हैं, या फिर उनके अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी होम स्टेट के वजह से एक्साइज ले लेते हैं। अगली बात, एक बेनिफिट जो हिडन टाइप का होता है, जैसे मान लीजिए आप बिहार के रहने वाले हैं, आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एएसओ और जीएसटी इंस्पेक्टर। मान लीजिए आपकी अच्छी रैंक है, आपको बिहार में मिल जाता है जीएसटी इंस्पेक्टर, तो एक ड्रॉबैक एएसओ इन सीएसएस का निकाल ही लिए वैसे कि इसमें आपको होम स्टेट नहीं मिलेगा अगर आप अदर देन दिल्ली के रहने वाले हैं। जैसे मान लीजिए आप यूपी में लखनऊ के रहने वाले हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एएसओ इन सीएसएस मिल जाए दिल्ली लखनऊ में, तो नहीं मिलेगा, लेकिन जीएसटी इंस्पेक्टर मिल जाएगा। और एक फ़ायदा जीएसटी इंस्पेक्टर का ये रहता है कि इसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा रहती हैं और सारे जोन में रहती हैं, तो हर जोन के पर्सन्स को एक मौका मिल जाता है उसको होम स्टेट पाने का, जबकि एसओ इन सीएसएस में ऐसा नहीं हो पाता है। तो फिर दोस्तों इतना हमने बताने की कोशिश की, अगर और भी कोई क्वेरी हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए। नमस्कार।